हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में अगेन बात करने वाले हैं किसकी एचडीएफसी एएमसी की एचडीएफसी एएमसी की बात क्यों करने वाले हैं क्यों क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो कल की डेट में हमने एक वीडियो बनाया था पैसा होगा डबल एचडीएफसी एएमसी टारगेट 800 का यहां पर देखिए ओके एज वेल एज बात करें कुछ टाइम पहले भी 3 महीने पहले हमने वीडियो बनाई थी और उस टाइम भी इस तरीके के कमेंट आए थे कि आ, ये बेकार शेयर है ये घटिया शेयर है ओके आ, उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया उन्होंने स्टॉक को क्रिटिसाइज किया था जस्ट आई जो वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग ओके उस टाइम भी देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एच डी एफ सी ए एम सी ओके और यहाँ मैं आपको सर्च करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ एच डी एफ सी ए एम सी यहाँ पर तीन महीने पहले ये वीडियो बनाई थी और तीन महीने पहले की अगर मैं बात करूँ उस टाइम ये शेयर यहाँ पर चल रहा था ओके okay, यहाँ पर आपको शेयर दिलाया था और उस टाइम जो रैली थी ना उस टाइम रैली पता है कितने परसेंट की थी उस टाइम से अगर आप देखेंगे ना उस टाइम में अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने परसेंट के रिटर्न कमाए थे तो देखिए 18 परसेंट के रिटर्न यहाँ पर अर्न किए थे ओके और यहाँ पर अगर हम मैं बताऊं स्विंग ट्रेड साफ लिखा था स्विंग ट्रेड तो उस टाइम भी इसी तरीके के कमेंट आए थे कुछ दिन पहले यहाँ पर और यहाँ पर एक बार वीडियोज बनाई थी यहाँ पर देखिए एच डी नाम इंडिया ओके और यहाँ पर टारगेट दिए थे कितने चार वीक हुए ओके चार वीक पहले ही आपको यहाँ पर बताया था और चार वीक पहले जब यहाँ पर बताया था उस टाइम यहाँ पर शेयर क्या चल रहा था उस टाइम भी शेयर देखिए इसके आसपास ही चल रहा था ओके okay, और उसके बाद भी देखिए अच्छी खासी यहाँ पर रैली थी और अगेन आई एम टेलिंग यू एट दैट पॉइंट जो कि ये यहाँ पर है यहाँ पर कल की डेट में ये बताया था और आज की डेट में दोबारा इस स्टॉक्स को रिपीट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं सिंपल रीजन है क्योंकि इससे बेहतरीन स्टॉक्स मुझे नजर नहीं आता मार्केट में ओके आज मार्केट गिरी थी ओके okay, और मार्केट गिरने के बावजूद ये शेयर कितना गिरा था मुश्किल से ये शेयर जब मार्केट अच्छी खासी हाँ चल रही थी तो नॉर्मली उसी ट्रेड पे चल रहा था तो पांच दस रुपए का ही अंतर है ज़्यादा है तो और एक महीने बाद वो आपको तीन हजार परसेंट के रेट दिए जैसे कि आपको याशो देखिए हमने आपको बताया था फोर हंड्रेड के आसपास बताया था याशो यहाँ पर आज की डेट में लगभग ढाई सौ ढाई सौ तीन सौ गुना यहाँ पर पैसा कर चुका है यहाँ पर ओके okay, और विद इन कितने विद इन टू और थ्री मंथ्स बट ऐसे स्टॉक्स ठीक है जब चल गए अच्छी बात है बट ऐसे लेवल पर हम देखिए डेली आज भी भागा छह परसेंट कल भी भागा था उससे पहले ये भागा था बट but... ऐसे शेयर को लेना यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड होता है इस चीज को याद रखिएगा जब फसोगे ना तब यहाँ पर सारी आ, सारा भूत उतरता हुआ नजर आएगा सिंपल सी बात है ओके तो इसलिए थोड़ा सेफ खेलना भी अच्छा रहता है हमेशा पैसे के पीछे नहीं थोड़ा सेफ्टी और जहां पर पैसा दोनों बनता हुआ नजर आए वहां पर खेलना पर अच्छा अच्छा रहता है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हैं स्टॉक्स के रिलेटेड वै वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट

एच डी एफ सी एम सी की बट उससे पहले एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कार ट्रेड के वक्त जब यहाँ पर वीडियो हमने बनाई थी उस टाइम भी लोग क्या कह रहे थे उस टाइम भी लोग इसी तरीके से बातें बना रहे थे कि ये पांच सौ रुपए जाएगा चार सौ जाएगा और मैंने कह दी थी पांच सौ पे जाएगा पांच साल बाद जब स्प्लिट होगा तब जाएगा तब, तब आप ले लीजिएगा कोई इशू नहीं है और आज की डेट में देखे तो आज की डेट में भी जहाँ बाजार गिर रहा था यहाँ पर छह परसेंट भी शेयर भाग गया तो समझने की जरूरत है बाकी और कुछ नहीं कहूंगा ओके अब बात करते एच डी एफ सी ए एम सी की तो एच डी एफ सी एम सी पहली बात तो यहाँ पर एक बेहतरीन स्टॉक्स है ओके अभी एकदम डेट फ्री स्टॉक्स है म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है अभी मार्केट में पैसा बन रहा है तो अब तो ये शेयर नहीं चल रहा है ओके थोड़ा बहुत रिट्रेस हो रहा है ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है बट ये एक बेहतरीन स्टॉक्स है डेट फ्री स्टॉक है आर ओ बेहतरीन है पैतालीस का पी है और इस इकसठ हजार करोड़ का मार्केट कैप है इकसठ हजार करोड़ का मार्केट कैप ऐसे ही नहीं होता और यहाँ पर बहुत बेहतरीन ये शेयर नजर आता है और यहाँ पर देखिए तो चार लाख छह हजार आठ सौ करोड़ रुपए का तो ये है। एयूएम मतलब अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर रखता है तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है ओके okay, और पर साल की तेजी से 22 ही है और डिविडेंड भी बेहतरीन देता हुआ नजर आता है क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें क्वार्टरली है पर नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली बेसिस पे ईयरली बेसिस पे बेहतरीन परफॉर्मेंस है इवन इफ यहाँ पर बात करें पेंडेमिक uh, था स्टिल यहाँ पर, पर कंपनी ने अच्छी खासी सेल्स यहाँ पर करती हुई दिखाई है नेट प्रॉफिट यहाँ पर हाईएस्ट अवर करके दिखाया है ये सारी चीजें बताती है कि कंपनी किसी भी सिचुएशन में हो ओके okay, ये कंपनी पैसा बनाती हुई नजर आएगी और जब ये कंपनी पैसा बना रही है ना तो सिंपल सी बात है ये शेयर भी भागेगा थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओके okay, आप इम्पेश हो हो, मार्केट में जिस तरीके के रिटर्न मिले हैं उसे देख के लोग यहाँ पर इम्पेश अच्छे स्टॉक्स को भूल गए और बेकार स्टॉक्स में पैसा बन रहा है तो वहीं पर ही जा रहे हैं और जब वो फसाना शुरू करेगा तो लोअ सर्किट लगते हुए नजर आएंगे तो निकल भी नहीं पाओगे रिजर्व की बात करें चार करोड़ के रिजर्व्स है बॉरिंग की बात करें कोई बॉरिंग नहीं है यहाँ पर एक एक करोड़ रुपए का यहां पर वर्किंग प्रोग्रेस में है, बट कोई नहीं है तो कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट चार हजार सात सौ तिरपन करोड़ का कैश भी ठीक ठाक है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है चालीस परसेंट के आसपास का आर ओ सी ही है और सेवन एट एट परसेंट की हिस्सेदारी प्रमोटर्स पर थे एक स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट पांच छह परसेंट के आसपास की, की हिस्सेदारी बेची थी तो ये आ, पांच की हिस्सेदारी कम हो जाएगी एफ की बात करें एफ के पास अच्छा खासी होल्डिंग है डी के पास हिस्सेदारी बढ़ाई है और यहाँ पर पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास भी यहाँ पर टेन परसेंट की हिस्सेदारी है तो आपको समझने की जरूरत है सिंपल सी बात मैं यही कहना चाहूंगा अगेन इसके टारगेट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर टारगेट से रिलेटेड ऑलरेडी आपको बताया था ओके okay, यहाँ पर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट कर दूंगा कोई इशू नहीं है और समझने वाली स्विंग ट्रेडिंग के परपज से लेना है स्विंग ट्रेडिंग के परपज से लो ओके टू ट्वेंटी परसेंट के रिटर्न एक महीने के अंदर अंदर मैं आपको तीन महीने का टाइम नहीं दे रहा एक महीने के अंदर अंदर मिलते हुए नजर आएंगे क्यों क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें एक बार मैं बी पे जाना होगा यहाँ पर रिजल्ट पे तो आपको पता चलेगी एच डी के रिजल्ट आने वाले हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा नीचे तो हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें समझ में आएगा यहाँ पर एच डी एफ सी एम सी लिखा हुआ ये नाम इंडिया देखिए नाम इंडिया के 26 तारीख को है और इसी के आसपास यहाँ पर एच डी एफ सी एम सी के भी रिजल्ट है एक बार हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं होप आपको ये सर्च करना आता है कि कैसे आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं मैनेजमेंट कंपनी और यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो देखिये यहाँ पर पच्चीस 25 तारीख पच्चीस 25 अक्टूबर को इसके रिजल्ट है पहली बात ग्यारह अक्टूबर को यहाँ पर आदित्य बिरला है दूसरी बात ये यह शेयर यहाँ पर एक दो चार पांच दिन नहीं जा रहे ज्यादा टाइम नहीं जा रहा और ज्यादा कुछ दिनों में ये यह शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा पहले टारगेट की बात करें पहला टारगेट यही है जो इसके यहाँ से यहाँ मिल रहा है लगभग 18 परसेंट के आसपास का यहाँ पर 15-16 परसेंट के आसपास का यहाँ पर रिटर्न है ये आपको मिल जाएगा <coughs> दूसरे टारगेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कप और एक हैंडल कप एप फिर फिर हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आया जिसके टारगेट की बात करें तो लगभग उनतालीस सौ आ रहे लगभग चार हजार अलावा तीसरे टारगेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहां पर आ, यहां पर विद विद हैंडल हैंडल पैटर्न पैटर्न बन रहा है। बट कॉम्प्लेक्स इसके में अगर टारगेट की बात करें तो इसके टारगेट कितने आ रहे हैं इसके टारगेट सैंतालीस सौ कुछ रुपए आते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सैंतालीस सौ के आसपास सैंतालीस सौ पचास के आसपास के टारगेट है जो कि अच्छे खासे चौसठ परसेंट के टारगेट नजर आते हैं सिंपल अगर किसी के एक साल का टाइम है रुक जाओ यहाँ पर चौसठ परसेंट के रिटर्न मिल जाएंगे आ, एक महीने के अंदर अंदर आपको ये पंद्रह परसेंट के रिटर्न मिलते, मिलते हुए नजर आ रहे हैं छह महीने के अंदर अंदर आपको ये अः पंद्रह प्लस में ये जो ट्वेंटी लगभग तीस परसेंट पैंतीस परसेंट के आसपास के रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं तो बेहतरीन रिटर्न हर एक पैदान पर यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं बाइंग सेलिंग की अगेन रिकमेंडेशन नहीं है ओके आ, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है सिंपल सी बात है यहाँ पर मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं निप लाइफ एसेट मैनेजमेंट की तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये भी शेयर कल की डेट में ऑल टाइम हाई बना के गया था बट अगर हम एच डी की बात करें तो एच डी ने अभी तक ओके okay, अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है ओके ऑल टाइम हाई से ये बहुत दूर है और ऑल टाइम हाई की भी अगर हम बात करें अगर यहाँ पर कि कितने परसेंट के रिटर्न मिलते हैं तो ऑल टाइम हाई में भी एक अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगी लगभग तैतीस परसेंट के रिटर्न मिलते हुए नज़र आते हैं जो कि कितना है जो कि हमारे ये कप विद हैंडल पैटर्न में जो चार्ट पैटर्न बना था उसके बेसिस पे है इसके अलावा हम अगर बात करें आ, कुछ और पॉइंट की तो यहाँ पर आज की डिलीवरीज भी एक बार देख लेते हैं तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कितने परसेंट की यहाँ पर डिलीवरीज उठाई गई है तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो देखिए आज भी इकसठ परसेंट की डिलीवरीज उठाई गई है और शेयर रिट्रेस रि हो गया शेयर यहाँ गिराए ओके केवल दस और पंद्रह रुपए और अच्छे खासे सपोर्ट पे देखिए ये सपोर्ट कहा जाता है ऐसे ही ऐसे एक बेहतरीन सपोर्ट है यहाँ से केवल चीज ऊपर जानी है नीचे नहीं आनी तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करे और ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे और यहाँ पर क्योंकि बेफालतू में किसी भी पर्टिकुलर शेयर की बुराई करना बेकार बात नहीं है नहीं दिए रिटर्न नहीं भागा कोई इशू नहीं है भागेगा बट पेशेंस मार्केट में पेशेंट की तो पेशेंसी तो काम आता है अगर आपको मार्केट में पेशेंस नहीं है तो यहाँ पर अभी रिटर्न मिल रहे हैं आप सौ परसेंट कमा रहे हैं बट एक बार दिन ऐसा आएगा कि आपके रिटर्न नेगेटिव में होंगे और आप यहाँ पर वीडियोस दे, दो, देखते रह जाओगे बार बार पीटेड मुड़ के देखोगे वीडियोज फिर यहाँ पर वीडियोज की याद आएगी कि हाँ यहाँ पर किसी ने आपको स्टॉक्स बताया था बट बत हमने स्टॉक्स नहीं लिया हमने इसकी बुराई करी बकवास स्टॉक है बेकार स्टॉक है बट यहाँ पर जो ये स्टॉक है ये हीरा स्टॉक है तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस